नाम नहीं ले रहा है लाहौल स्पीति में संगम नाहुल के पास अचानक बाढ़ आने से कोहरा मच गया एक महिला पानी के तेज धारे के साथ बह गई और एक वाहन भी मलबे में दब गया आईपीसी सत्रहवीं कोर और स्थानीय पुलिस की टीम राहत बचाव के कार्य में जुटी है वहीं मौसम विभाग ने 8 अगस्त तक जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है लोगों को नदी नालों से दूर रहने का संदेश दिया गया है और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता प्रेमलाल लाहौल स्पीति से प्रेमलाल इस वक्त क्या स्थिति है और जो ये घटना घटी है इसके बाद जो राहत बचाव कार्य है वो किस तरह से चलता रहा क्या देख पा रहे हैं आप जी आज बिल्कुल मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा ये पिछले कल शाम की घटना बताई जा रही है जिसमें जो है जो स्पीति का इलाका है वहां पर जो सगनम जो पिन बेली का जो सगनम इलाका है वहाँ पे जो है जो बस स्टैंड है वहाँ एक बादल फटने की जो घटना सामने आई जिस में जो है एक वाहन भी दब गया था और इसके साथ साथ एक महिला की भी दबने की जो है एक दुखद समाचार जो है सामने निकल के आई है और इसी घटना को लेकर जो है सीपी प्रशासन की जो एडीसी है वो अपने पूरे दल बल के साथ नायब तहसीलदार एस और जो जो आई के जो सतारवीं बहनी है, है उनकी टुकड़ी को लेकर जो है सगनम गांव पहुंची देर रात पहुंची और उन्होंने जो है राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया इसके साथ साथ जो आ, सड़क मार्ग है उसको भी रात को ही आ, दुरुस्त कर दिया गया था और उसके साथ साथ जो वहाँ पर पानी की व्यवस्था जो पेयजल व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी बादल फटने से तो उसको भी जो है रात को ही युद्ध स्तर पर जो है उसको सुचारू किया गया वहीं जो है इसे बचाव बदलने हैं रात को ही जो महिला जो इक्यावन वर्ष की थी वहीं की स्थानीय निवासी थी तो उसका भी जो है डेड बॉडी जो है रात को ही बरामद कर दिया गया था तो वही क्योंकि देर रात काफ़ी हो गई थी अंधेरा हो गया था इसलिए जो है रात को बचाव कार्य नहीं हो पाया था अब सुबह जो है एक बार फिर से जो है जो राहत और बचाव कार्य है उसको जो है किया जाएगा इस तरह की जानकारी जो है अतिरिक्त तो उपायुक्त जो एस पी ने दी है जी जी और इसके अलावा प्रेमलाल मैं ये जानना चाहूँगा कि मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान हैं वो आगे के लिए क्या हैं आने वाले जो दिन हैं उसमें किस तरह की संभावनाएं जताई गई हैं मौसम विभाग की तरफ से और जो स्थानीय प्रशासन है उसकी तैयारी कैसी है जी बिल्कुल क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार जो है लाहौल स्पीति को जो है ये तीन अगस्त है आज से लेकर जो है आठ अगस्त तक जो है भारी बारिश की चेतावनी दी गई है इसी को देखते हुए ज़िला प्रशासन ने भी पिछले रात को ही जो है एडवाइजरी जारी कर दी गई थी और इसके तहत जो क्योंकि लगातार जो है ज़िला प्रशासन ये आगा करता रहा है और पिछले कल भी उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की जिसके तहत तो जो लोगों को जो विशेषकर लोगों को और सैलानियों को जो है ऊंचाई वाले इलाकों में ना जाने की सलाह दी इसके साथ साथ तो क्योंकि लाहौल स्पीति के जो नदी नाले हैं और प्रमुख नदियां हैं वो पूरी तरह उफान में हैं और उसका जल स्तर जो काफ़ी ऊंचा चला हुआ है इसके चलते जो है लोगों को आगाह किया जा रहा है कि वो नदी नालों के आसपास ना जाएँ दूर रहें और अनावश्यक यात्रा ना करें ऊंचाई वाले इलाकों में ना जाएं और इस तरह की जो है एडवाइजरी जो है जारी की गई है वहीं मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो जिला प्रशासन जो है आपदा को आपदा से निपटने के लिए जो पूरी तरह से तैयार है इस तरह का जो है दावा किया जा रहा है और यहाँ पर जो है उसको किसी प्रकार की आपदा के सूरत में जो है मनाली में जो एसडीआरएफ की टीम को जो रखा गया है स्टैंड बाय में और इसके साथ साथ जहां भी संभावित स्थान है जहां पर बाढ़ आने की संभावना है या इस तरह की जो घटना होने की संभावना है वहां पर जो है मशीनरी तैनात किए गए हैं बी आर को भी निर्देश दिए गए हैं उसके साथ साथ जल विभाग और जल शक्ति विभाग और उसके साथ साथ जो पी विभाग है उनको भी ये निर्देश दिए गए हैं इस तरह की जिस प्रकार कोई घटना आती है तो उसमें जो है अब तुरंत एक्शन लें और उसके साथ साथ जो इंडिया जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उन्होंने भी एक टोल फ्री नंबर जारी किया है उसके उसमें भी जो किसी प्रकार की घटना होती है तो लोगों को भी पंचायत के प्रतिनिधियों को और तमाम जो जितने भी जो कर्मचारी हैं पटवारी हैं जो दूसरे जो राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको भी ये आगाह किया गया है कि उनको निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की जो घटना जो पूरे ज़िले में होती है तो तुरंत जो है दस सतहत्तर जो है टोल फ्री नंबर जो जारी किया गया है तो उसमें जो है सूचना जो दें दें ताकि जो लोगों को जो है किसी प्रकार के आपदा में जो तुरंत जो उनको सहायता सा, प्रदान की जा सके जी प्रेमलाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए आ, तो प्रेमलाल हमारे संवाददाता ने ये तमाम तो जानकारी दी है और वहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि जो स्थानीय प्रशासन है वो काफ़ी चौकस है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है लेकिन फिलहाल जो घटना घटी उस पर लोगों को तकलीफ भी है गम भी है